हेलो एमपी बोर्ड स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित बसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। क्लास 10th और 12th के रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जो मेरे पास एक बहुत ऑफिशियली अपडेट हाथ लगी है। सोचा मैं आज आपके साथ शेयर कर दूँ। क्लास 10th और 12th के रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी अपडेट जो निकल कर सामने आई है, जिसको मैं आपको विद प्रूफ आपको ये चीज़ बताऊंगा कि जो क्लास 10th और 12th का रिजल्ट है वो कब आ रहा है, किस टाइम पे आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th वाले भी स्ट्रेस में है, क्लास 12th वाले भी स्ट्रेस में, टेंशन में, हाइपर में है कि कब रिजल्ट आएगा, कब नहीं आएगा, क्योंकि मोस्टली सारी स्टेट्स का जो रिजल्ट है वो ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, चाहे CBSE ICSE का भी हो चुका है, उसके बाद हिमाचल बोर्ड का भी अनाउंस हो चुका है, राजस्थान का भी हो चुका है, बिहार का भी हो चुका है, मतलब मैक्सिमम स्टेट का जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो चुका है। अब बात कर लेते हैं एमपी बोर्ड के रिजल्ट को लेकर कि एमपी बोर्ड के रिजल्ट को लेकर हमारे पास क्या अपडेट निकल कर आई है, जिसका स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो इन्होंने लिखा है, इस साल एमपी बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के साथ 5वीं और 8वीं भी बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की गई थी। अब इन बोर्ड परीक्षाओं में शामिल स्टूडेंट का रिजल्ट इंतजार है। ठीक है, हमें पता है कि 8वीं और 12वीं का रिजल्ट हमें बहुत सारे स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं। 5वीं और 8वीं का रिजल्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन 12वीं और 10वीं की परीक्षा में शामिल स्टूडेंट्स को अभी भी रिजल्ट की डेट नहीं पता चल पाई है। इस बार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा क्रमश 1 और 2 मार्च आयोजित की गई थी। परीक्षाओं के समापन के साथ रिजल्ट बनाने का काम शुरू कर दिया गया था। अब रिजल्ट बनकर तैयार है, रिजल्ट आपका जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। क्लास 10th वालों और 12th वालों, मोस्ट जो वेटेड थी आपको रीजन जानने की कि क्लास 10th और 12th का रिजल्ट जो है वो अभी तक रेडी हुआ या नहीं हुआ, तो आपका जो रिजल्ट बनाने का काम है वो शुरू कर दिया गया था और रिजल्ट आपका जो है तैयार भी हो चुका है। शिक्षा मंत्री से समय मिलने के साथ ही एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट की डेट जारी कर दी जाएगी। मतलब शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद जैसे शिक्षा मंत्री हरी झंडी देते हैं, वैसे ही 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जो है वो आउट यानी कि डिक्लेयर कर दिया जाएगा। परीक्षा में शामिल स्टूडेंट को सलाह है कि अधिक जानकारी के लिए समय समय पर आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से चेक करते रहे कि वहाँ पे आपका जो रिजल्ट है, हम भी आपको अपडेट दे देंगे जैसे कि हमारे पास ऑफिशियल और रिजल्ट के रिलेटेड अपडेट आती है, एग्जैक्ट डेट जो मिलती है। इसके साथ इन्होंने एक और चीज को बोला है, ऐसे इन स्टूडेंट को बता दें कि रिजल्ट की घोषणा एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पे होगी। वो मैंने आपको बता दी कि आप मेनली उनकी एमपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आप जाके देख सकते हो, पर 23 से 25 मई के बीच की जानी है। मतलब ज्यादा जो आपके चांसेस है रिजल्ट आने को 23 से 25 मई के बीच बीच में है। पिछले 1.5 माह से अधिक समय में स्टूडेंट वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित होने का इंतजार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अब एमपी बोर्ड रिजल्ट में और देरी नहीं की जाएगी, मतलब आपके रिजल्ट में बहुत देरी नहीं होगी। मैक्सिमम जो चांसेस है आपके रिजल्ट आने के वो 23 से 25 मई के बीच में है। आपका रिजल्ट जो है ऑलरेडी जो है प्रिपेयर हो चुका है, रेडी हो चुका है, बस शिक्षा मंत्री जैसे ही हरी झंडी देंगे तो आपके रिजल्ट को क्या कर दिया जाएगा, आउट डिक्लेयर कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। और मैक्सिमम चांसेस क्या है, 23 से लेकर 25 मई के बीच में कभी भी आपका जो रिजल्ट है वो आउट हो सकता है। तो इसके रिलेटेड और भी कोई ऑफिशियल अपडेट हमें मिलती है, अगर 23 से पहले आने की कोई ऑफिशियल अपडेट मिलती है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब हमारी भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जैसे ही और कोई हमारे पास ऑफिशियल अपडेट मिलती है वो डेफिनेटली हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि वो अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।